नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड वाइटो क्लास के अंतर्गत। अब बात ये करते हैं कि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं तो उसी अकॉर्डिंग स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं मुझे कि एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा। कौन से एग्ज़ाम के रिजल्ट की बात करें? फर्स्ट सेमेस्टर का। अब जैसे जहाँ भी जिस भी कॉलेज में हो तो ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है उसका रिजल्ट अलग आएगा और सेकंड का अलग आएगा। ठीक है, लेकिन कंबाइंड परसेंटेज दोनों का बाद में जो रिजल्ट होता है, मैं कहने का मतलब फाइनल ईयर कैसे होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का, वैसे मिलाकर टोटल रिजल्ट काउंट होता है। यहाँ पर एक और दो दोनों सेमेस्टर को मिलाकर मोस्ट ऑफ परसेंटेज आपके शो अप होते हैं, लेकिन रिजल्ट पास आउट दोनों में होना होता है। ठीक है, ये जरूरी है तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम का रिजल्ट है ना वो जैसे एग्जाम खत्म होते हैं तो लगभग एक महीने से लेकर डेढ़ महीने तक, एक महीने से डेढ़ माह तक का समय लिया जाता है रिजल्ट के आने में। जैसे अब अगर बात करते हैं, अगर बात करें जेएनयू की, तो अभी फिलहाल एग्जाम है वो लगभग मान लीजिए 19-20 मार्च तक चलने वाले हैं। ठीक है, 19-20 मार्च तक चलेंगे, तो अब उस अकॉर्डिंग एवरेज मान लीजिए कि मार्च में तो आने की संभावना पॉसिबल नहीं है, अप्रैल में आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। ठीक है, फिर इसी के साथ एक अपडेट है और उस अपडेट को हम यहाँ पर बताएं, जैसे कि आप ये देख सकते हो ऑफिशियल अपडेट। इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि मान लीजिए जो लास्ट ईयर जो मार्कशीट होती थी रिजल्ट की, लास्ट ईयर जो मार्कशीट होती थी, ठीक है ना, मार्कशीट, तो उस मार्कशीट की बात करें तो वो अलग होती है, जिसमें मान लीजिए सिस्टम ही अलग होता था कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए जैसे अलग अलग फ्रेमवर्क का जो डाटा होता था वो वहाँ पे शो होता था। लेकिन इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसी अकॉर्डिंग अब कुछ चीज़ें हैं वो आपको मार्कशीट में और नई देखने को मिलेगी। जिसके अलावा मैं बात करूँ, पहले तो आपको ABC ID देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसका नाम वैसे भी आपने मैंने फॉर्म लिख दिया है, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके अलावा दूसरा है वो लेवल मिलेगा वहाँ पे, ABC का तो है ही, इसके अलावा लेवल मिलेगा जिसको हम कहते हैं, कौन सा लेवल मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ है NHEQF। ये लेवल आपके मार्कशीट में शो होगा, यानी नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अब देखो ये क्यों, क्योंकि इसके द्वारा है ना आप ये मतलब ग्रेजुएशन तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, ग्रेजुएशन और PhD तक भी ये प्रोसेस NHEQ यानी एक लेवल होता है। इसमें क्या होता है कि आपके 5 से 10 साल तक का एक लेवल डिसाइड होता है, और ये लेवल जो है ना वो आपके 4.5 से 8 के बीच होना चाहिए, ये लेवल शो होगा उसमें। कितने समय का इसमें होता है, 5 से 10 साल तक का जो आपका एजुकेशन फॉर्म जो होगा पैटर्न, उसी को वहां पर शो अप किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि सेमेस्टर सिस्टम के तहत एक तो आपके ABCD ID जो है वो उस मार्कशीट में प्रिंट होगी, ठीक है, जिसमें बैंक ऑफ क्रेडिट स्कोर शो होगा। मतलब आप पहले क्या होता था कि कोई सिंपल नहीं था, अब ABCID के जरिए ना आप मान लीजिए जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपका ये अपडेट बैंक की तरफ बैंक होगा, आप जहाँ जाए वहां जैसे मान लीजिए वहां पे सबमिट कर सकते हैं अपना ABCID और उस अकॉर्डिंग वहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। इस तरह से ध्यान रखा जाए तो ABCID के आधार पर आप किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में जा सकते हैं, तो इसीलिए आपकी मार्कशीट पर ABCID लिखा होगा इस बार, ये जरूरी है, क्योंकि ABCID में जो क्रेडिट स्कोर होता है ना वो ऑटोमेटिक क्रेडिट फॉरवर्ड होता है। जैसे ही आपने कुछ अपडेट किया, अपडेट करने का मतलब जैसे कोई फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दिया तो उसमें नंबर वगैरह या जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑटोमेटिक ऐड होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर का जो आपका ये लॉगिन किया गया पोर्टल, आपकी ABCID रजिस्टर्ड है, तो आपका रिजल्ट उसी के अनुसार अपडेट होता रहेगा, यानी खुद ब खुद वो अपडेट होगा, क्योंकि आपका रिजल्ट में अपडेट होगा तो ABCID अपडेट होगा, यानी एक सिंपल पहचान होगी आपकी जिसमें आपका स्कोर पूरा क्रेडिट जो क्रेडिट है ना पूरा का पूरा जो एकेडमिक है वो स्टोर रहता है। इसके अलावा हम बात करें तो इस सेमेस्टर के अंतर्गत वही सेमेस्टर में MPG या जो CPG को दर्ज किया जाएगा, ये जरूरी है। अब देखो थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि एक तो रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है, और एक प्राइवेट स्टूडेंट है, इन दोनों मार्कशीट में फर्क होगा, दोनों की मार्कशीट में फर्क होगा। क्यों? क्योंकि इनके तो इंटरनल मार्क्स आएगा, इंटरनल जो मार्क्स है वो शो होंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि इंटरनल मार्क्स है, जैसे मान लीजिए 70 का तो एग्जाम होता है और 30 का जो इंटरनल मार्क्स होता है, तो फिर वो दोनों शो होगा। और ये भी कहा गया है कि आपको पास होने के लिए 70 में से भी 40 नंबर लाने हैं और 30 में से भी 40 नंबर लाने हैं, ये क्राइटेरिया होता है।
अब देखो प्राइवेट में क्या बात करें, 30 नंबर है, चित्र 30 यहां पर भी है। ये चित्र जो है ना, यानी इसी को आधार माना गया, इसी को 100 के रेशियो में अनुपात में आधार मान के आपको 30 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि इस बार इनकी इंटरनल हुआ नहीं है। तो प्राइवेट वालों को जो सेमेस्टर के अंदर जो नंबर आएंगे ना, बस ये ध्यान रखिए नंबर को एक बहस बनाया जाएगा और इसको 100 के रेशियो में बांध कर आपको 30 नंबर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों मार्कशीट में अलग अलग होगा। अब ये चीज तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि इनकी मार्कशीट देखो एबीसी आईडी वगैरह ये तो होगी, लेकिन जो मार्क्स का है ना, इनके और इनके मार्क्स का ये थोड़ा सा फर्क उसमें नजर आएगा अलग अलग ग्रुप में। अब इस ध्यान रखिएगा कि एनईबी सेमेस्टर लागू हो गया है, तो अगले वर्ष से मिड टर्म में जो, जैसे मान लीजिए इस बार तो कुछ कंज्यूम्स कर सकते क्योंकि थोड़ा लेट आउट हुआ है, तो थोड़ा कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन नेक्स्ट बार से पूरा सिस्टम से चलने वाला है। ओके, और अब अगर हम बात करें तो ये जैसे अब आपको बताया मैंने NEHEOQF, तो इसके द्वारा क्या होता है कि अब अगर आपको ड्यूअल डिग्री में भी दाखिल लेना है, एक साल एक ही साथ दो डिग्री कर सकते हैं, अगर आपके सेम क्वालिफिकेशन है और ऐसा कोई कोर्स है तो एक साल दो डिग्री कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको फायदा होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, मार्कशीट में अब आपको कुछ चीजें नहीं देखने को मिलेगी और परिवर्तित होगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये अपडेट दे दो। तो इस प्रकार से कुछ भी और अपडेट या कुछ भी डाउट है तो बता दीजिएगा, बाकी आपसे मिलते हैं अपनी इंपॉर्टेंट क्लास में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड